हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नया टॉपिक आपका, जिसका नाम क्या है, एलजेब्रा। ठीक है, दो तीन दिन से दो तीन बोल चुके भाई मुझे, है ना, कि एलजेब्रा करवा दीजिए। तो आज एलजेब्रा की वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात कर लेता हूँ सीजीएल या फिर आपका सीएचएसएल की, तो आपको दो तीन सवाल प्री हो या फिर मेंस हो, दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सीडीएस की, तो सीडीएस में भाई 8 से लेके 15 क्वेश्चन तक इसके आते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें हम डिस्कशन करें तो एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके 25 में से अगर तीन सवाल आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो 12-13% वेटेज वो क्या है, कवर कर रहा है अपनी। तो एक अलग ही इंपॉर्टेंस बन जाती है इस चैप्टर की। और सबसे अच्छी बात क्या है, आसान है। सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत आसान है, आप इसको जल्दी कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वो आपके एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें कई तरीके के टाइप होते हैं, फिक्स पैटर्न जिनको हम बोलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपके फॉर्मूला पर ही बेस होते हैं, वो आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। एक आपका वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट होगा, तो जब वो वाले क्वेश्चन आएंगे तो वैल्यू पुटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आपके मिससेलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सारे तरीके के हम क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप सभी के लिए। तो एलजेब्रा में ये सोच रहा हूँ कि आपको 7 से 8 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करा दूँ, कंटेंट अच्छा रखूँगा, एक एक घंटे की कम से कम वीडियो एलजेब्रा की आपकी रहने वाली है। तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और आप अपने नोट्स बनाते जाना, इन क्वेश्चन को कॉपी में लिखते जाना और अपना एलजेब्रा खत्म कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, हर एक टाइप कवर होगा, सारे सवाल तुम इसके बाद कर पाओगे। ठीक है, तो बस क्योंकि तो मेरी कोशिश यही है कि ऐसा कंटेंट दूँ तुम्हें कि तुम एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से कर पाओ। अभी तुम 40-50 घंटे के लेक्चर नहीं दे पाओगे एलजेब्रा के, सिलेबस बहुत बड़ा है एलजेब्रा करवाने को, 50 घंटे 100 घंटे में भी करवा सकते हैं एलजेब्रा आराम आराम से, बहुत सारे टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, पर लेकिन वो इम्पोर्टेंस अब नहीं रही है इतनी। हाँ, अच्छे सवाल पेपर में आ रहे हैं, पर वो भी हम डिस्कशन करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल 8 से 10 घंटे के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। चलो अब काम की बात पे चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ एक बार अच्छे से। फॉर्मूले भाई हमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, इधर प्लस में ले जाना माइनस में ले जाना, मतलब फॉर्मूले को दो तीन रूप में हमें देखना पड़ेगा, दो तीन तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। उसका मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितना हेल्प होती है, वो तुम्हें क्वेश्चन जब करेंगे पता चल जाएगा। क्योंकि मैं भी क्या करता था, स्किप कर देता था, बस एक फॉर्मूला रट लिया, उसके बाद आगे ठीक है उसी से चल रहा है काम, फिर लेंदी हो जा रहा है, उसके अंदर दो तीन फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट रिजल्ट वाला फॉर्मूला है, वो अगर तुम्हारे याद है तो तुम क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। तो ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, a² - b² ये क्या होता है, a + b * a - b। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं क्या, a + b² ये फॉर्मूला तो काफ़ी चर्चाओं में रहा है, किसी महान आदमी ने इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया था कि एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आता है, उन्होंने एक्चुअल में ज़्यादा गणित लगा दिया था अपना, जब ज़्यादा दिमाग दौड़ाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है कि एक्स्ट्रा 2ab, ये एक्स्ट्रा नहीं होता भाई, 2ab ये सोल्व करके आता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा 2ab नहीं होता है, तो चलो अच्छी बात है। और a - b² क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, पॉलिटिशियंस जब मैथमेटिक्स में घुस जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है, और वो फिर ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो तो फिर तो दरअसल होता ही है, क्योंकि स्क्रिप्टेड चीज़ें बोलते हैं तो फिर इधर उधर निकल ही जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपके फॉर्मूले। अब ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हम और भी फॉर्मूले बनाएंगे, तो जो फॉर्मूले बनाएंगे उनको भी आपको क्या है, याद रखना है। और ये आते कैसे हैं भाई, जैसे a + b² है, तो a + b की 2 बार मल्टीप्लाई कर दी, इसको जब सोल्व करोगे तो a² + b² + 2ab तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। इन दोनों को प्लस कर लो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो a + b² a - b² ये आपका क्या हो जाएगा। देखो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2ab माइनस का 2ab खत्म हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2a² + b। आई बात समझ में। अब दोनों को माइनस कर दो एक बार, आप जब आप माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, a² से a² खत्म, b² से आपका b² खत्म। अब माइनस का 2ab जब माइनस करोगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आपका क्या बनेगा, 4ab। तो ये फॉर्मूले आपके दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इनके ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। मैं भी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पेपर में आए हुए हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये आपके याद होने चाहिए। तो आपका काम होमवर्क यही होगा कि आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो साथ के साथ इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। जो याद करने की चीज़ें हैं उनको याद करके चलो भाई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर होगी इतनी बात सभी को। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और डिस्कस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन में, वो आपको ए प्लस बी और ए बी दे के रखेगा और ए माइनस बी पूछेगा। तो आपको सबसे पहले आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे, फिर वापस से ए माइनस बी निकालोगे। तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी लेंथी। अब देखो अगर मैं इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो तुम्हारे सामने है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो अगर मुझे इसके बराबर लाना है इसको, तो सबसे पहले तो मतलब प्लस का 2ab लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 4ab आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 2ab प्लस का 4ab ओवरऑल कितना हो जाएगा, प्लस का 2ab। तो अब आप इस फॉर्मूले को चेक करोगे तो दोनों इक्वेशन आपकी हो चुकी हैं बैलेंस और ये आपका बन चुका है एक फॉर्मूला, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। ऐसे ही आपको इस a माइनस बी को आप a प्लस बी के टर्म में भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 4ab। याद करना आसान है, देखो प्लस का साइन है तो प्लस का 4ab हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस के क्या हो गया, 4ab हो गया। ये आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। तो इसलिए मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, फॉर्मूले को याद कर लो अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको तो अच्छे से तुम्हें क्या करना है, याद करना, ठीक है। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो ये सवाल पेपर में आया हुआ, बताओ इसका कुछ लेवल नहीं है क्वेश्चन का। 25a² - 9 इज फैक्टर्ड है, इसका फैक्टर तुम्हें करना है। फैक्टर कैसे करोगे, देखो ये क्या तुम्हें 5 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, या 9 3 का स्क्वायर नहीं होता, और बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो कहीं ये a² - b² तो नहीं है। देख लो मुझे तो दिख गया, ये 5a² - 3 लिख रखा है इसने, मतलब लिख रखा है नहीं लिख रखा है। और a² - b² तो क्या होता है, a + b * a - b, यही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 5a + 3 * 5a - बताओ, बस यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a - 3b का होल स्क्वायर। अब देखो जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी वो तुम्हारे काम आएगी, अगर तुम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने लग जाओगे, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने लगोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे, जब जाके तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। लेकिन ये काम तुम्हें नहीं करना, जब हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला हमने क्यों पढ़ा भाई, ताकि हमारा काम क्या हो आसान। क्या तुमने a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, एक बार चेक करो। देखो ये क्या है आपका, ये हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था अभी, और मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, ये क्यों मार्क किया, क्योंकि मुझे पता यूज होगा ये, ठीक है। तो तुम्हें ये स्किप नहीं करनी है चीज़ें, ये आपको याद करना पड़ेगा बस। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तुम सवाल आसानी से कर सकते हो। देखो ये क्या है, 2a + 3b a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4ab। यहाँ पर a की जगह क्या पे है, 2a, तो बस इसको जरूर एलिमिनेट कर लेना। b की जगह यहाँ पर क्या है, 3b रख देना, तो 4 × 8 = 24, तो 24ab आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में। तो देखो डायरेक्ट तुम सीधा आंसर लिख सकते थे इस क्वेश्चन का, और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, ये देखो सीपीओ 2019 में आया, 1/8x + 1/y² - x - 1/y² क्या तुम्हें ये a + b² - a - b² नहीं दिख रहा, जो हमने अभी सोल्व करा, तो क्या इसकी जगह 4ab नहीं लिख सकते डायरेक्ट, बताओ। ए की जगह यहाँ पे क्या है हमारा x, बी की जगह यहाँ पे क्या है हमारा 1/y है, बस सवाल आपका खत्म। 1/8 × 4 × x × 1/y, 4 से y कितनी बार गया, 2 बार, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना जाएगा, x/2y, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप चुटकियों में फटाफट इस सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं साउंड वगैरह सब ओके है क्या, जी सब सही चल रहा है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे भाई अपने क्वेश्चन बेसिक वाले है ना, फॉर्मूले पे जो आपके बेस, ए प्लस बी आपको 11 दिया है, ए बी आपको कितना दिया है 15, आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या पूछी है वैल्यू, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे निकालोगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको भी आप दो तीन तरीके से लिखना सीख लो। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab भी होता है, तो तुम्हें डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखना आना चाहिए। तुम इसे इधर ले जाओ सीधा माइनस में, ये भी तुम याद रखो। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना तो कैसे लिख लेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2, याद होना चाहिए। अगर ए बी निकालना होता है तो ए बी कैसे निकलता है ये भी सीख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे पहले, फिर इसे माइनस में लेके जाओगे इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और फिर 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये तुम्हारे डायरेक्ट याद होनी चाहिए चीज़ें। इससे क्या है ना, तुम सीधी वैल्यू मतलब ए भी निकालना तो तुम ज़्यादा नहीं सोचोगे, यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर कर दोगे, यहाँ इसकी वैल्यू रख दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ए भी आ जाएगा। वरना पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसके अंदर करोगे, फिर उसे प्लस माइनस करके कैलकुलेशन करोगे, तो वो काम तुम्हारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, कैसे आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2ab 15 × 2 = 30, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 90। आ रही है बात समझ में? तो ये जो इस चीज़ें हैं ना इनको याद कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। देखो अब यहाँ पे ए भी निकालना था, तो ए भी निकालने के लिए क्या है, अच्छा ये ए माइनस बी है, तो ए माइनस का पहले होल स्क्वायर करा होगा, 5 का स्क्वायर कितना हुआ होगा, 25 हुआ होगा, 5 का स्क्वायर कितना हुआ होगा, 25। अब जो ये आपका क्या है, ये इधर जाके माइनस में हो गया होगा, जो ये है आपका ये क्या हुआ होगा, माइनस में हुआ होगा, कितना, माइनस के 45, और ये माइनस का 2ab होएगा इधर, तो अपोन में क्या आएगा, माइनस का 2, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसे ही तो होगा। जब 2ab इधर ले जाओगे, जब तुम क्या करोगे, मान लो माइनस का 2ab इधर रखोगे तो क्या करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो मैंने क्या करा, 5 का स्क्वायर 25 करा, फिर माइनस क्या करा हमने इसमें से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करा, देखो माइनस क्या करा मैंने, ये करा, और अपोन में फिर क्या लेके आया मैं, माइनस का 2 लेके आया, ab की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे आ गई। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्ट, माइनस के 20 / माइनस का 2 आंसर कितना आ गया 10। बाकी सिंपल देखो कुछ नहीं है, तुम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख के भी इसको सोल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए माइनस बी 5 का स्क्वायर 25, ये 45 माइनस का 2ab, तो यहाँ से माइनस का 2ab कितना आ जाएगा, माइनस के 20, तो ए बी कितना आ जाएगा आपका 10। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो अगर याद नहीं हो पा रही है, पर अगर याद कर लोगे तो आगे कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प करेंगी। देखो 3a प्लस 2b कितना दिया भाई, 49, ए बी कितना दिया आपको, 8, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 9a² प्लस 4b² की क्या निकालनी है, वैल्यू निकाल। अब मेरे प्यारे भाई तुम्हें 3a² दिख रहा है, और तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है 3a और 2b का, 3a² तो 9a² होता है, और 2b का स्क्वायर कितना होता है, 4b² होता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं स्क्वायर किया गया है। तो हमारे पास ए प्लस बी हुआ करता था पहले, और उसका होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और मैंने तुम्हें अभी बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी निकालना तो कैसे निकालोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2, डायरेक्ट ये चीज़ लिखनी सीखो। तो स्क्वायर निकालना तुम्हें 9a² प्लस 4b² यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, यानी कि 49 का क्या करो, होल स्क्वायर करो, और माइनस का क्या करो, 2ab। अब ए बी में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, देखो यहाँ तो ए बी था, और यहाँ पर ए बी की जगह क्या है, 3a, और बी की जगह क्या है, 2b, तो यहाँ पर ए की जगह आप 3a रखोगे और बी की जगह आप 2b, बस इतना यहाँ पर चेंज आएगा। 49 का स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो 2401 होता है। स्क्वायर का मैं बताऊँगा तुम्हें तरीका कैसे निकालते हैं, 3 × 6 × 12, 12ab, 12ab कितना दे रखा है देखो, 8, तो 12 × 8 = 92, जब इसे माइनस करोगे तो जो आंसर है आपका वो कितना जाएगा, 2300। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इस सवाल को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आई भाई बात समझ में? चलो, वरना आप फिर वही है 3a + 2b लिख लेना इसका होल स्क्वायर, फिर ऐसे इसको पूरा खोल के लिखना, फिर यहाँ से तुम्हारा टाइम जाएगा, पर बात क्या है, सेम प्लस के 12ab, बस यहाँ पे फिर तुम चेंज करके इसको माइनस करके आंसर ले। ठीक है, अगला देखते हैं, 3a + b निकालना है, पता क्या है, 9a² + b² दे रखा है 25, ab कितना दे रखा है, 4। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता 3a + b का होल स्क्वायर निकालना जानते हो तुम, जो कितना होगा 9a² + b² यानी कि 25 प्लस 2ab, 2ab कितना होगा, 2 × 3a × b यानी कि 25 + 6ab, है ना, ये गलती मत कर देना यहाँ पर, ab कितना आएगा, 4 × 6 = 24, ये आपका कितना हो गया, 49। हमें तो सिर्फ 3a + b निकालना था, तो 3a + b कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो मैं अंडर रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आपको क्या होगा आंसर। इजी क्वेश्चन है, फटाफट तुम इनको कर सकते हो।
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया प्यारे भाई, 289। ए बी कितना दिया 120। वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस, यानी कि मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी, अब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है और ए भी दे रखा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कितना होगा 240, तो ये कुल मिला के सोल्व करके 529 आ गया, तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया 3। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हें पता है 289, माइनस 2ab, 2ab कितना हो जाएगा 240, ये कितना आ गया 49, तो यहाँ से ए माइनस बी कितना आ गया 7। तो बस ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 161। आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, हम वैल्यू पुटिंग से क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग जो मैं तुम्हें कह रहा था स्टार्टिंग में, किसी भी हम कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दे इन दोनों इक्वेशन में जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिनेटली वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो 120 को मुझे देख के क्या याद आता है, 15 × 8 जब हम करते हैं तो 120 आता है। अगर ये 15 × 8 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर गया, तो यानी कि ए और बी की वैल्यू हमने सही मांगी है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो 6 × 2 = 8, तो ये कितना आ गया 289, तो ये सेटिस्फाई यहाँ पर करना था। तो कई बार क्या होता है, वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता है, डिपेंड करेगा, अगर सेटिस्फाई होगी कंडीशन तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट तुम कर सकते हो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करोगे तो आंसर 161 डायरेक्ट आ जाता, कुछ भी तुम्हें फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जो बेसिक जो रूट्स हैं वो तुम्हारी हमेशा क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, बेसिक तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, वही तुम्हारे हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले लिखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, एक्स माइनस वाई कितना दिया है 13, और एक्स वाई कितना दिया है आपको 19। एक्स माइनस वाई आपको पता है, यानी कि जो हमें आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू 13, यानी कि मुझे एक्स प्लस वाई पता चल जाए तो सवाल हो जाए इसको। अब देखो एक्स प्लस वाई पता करना है, और एक्स माइनस वाई और एक्स वाई हमें पता है, तो क्या हमने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 4xy, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मैंने पहले भी कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे मार्क भी किया हुआ है, इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से। ये काम तुम्हारा खत्म हो चुका बिल्कुल, मतलब इस सवाल को तुम 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो, वरना तुम्हारा काम कैसे बढ़ता, तुम इसका होल स्क्वायर करते पहले, तो यहाँ से तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता फिर तुम एक्स प्लस वाई निकालते, तो तुम्हारा लंबा स्टेप हो जाता काफी, यहाँ से सीधा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। एक्स माइनस वाई तुम्हें 13 पता है, 13 का स्क्वायर 169, एक्स वाई 19, 19 चौक 76, 9 और 6 15, 7 और 6 13 245, तो जो एक्स प्लस वाई है तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 245, और 245 कहीं नजर नहीं आ रहा तो 5 कॉमन लो, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ये आ गया 5 × 49, 49 रूट से बाहर जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 7√5। बस सवाल खत्म, 7√5 यहाँ रखो, 13 आपका था ही, 13 × 7 = 91, 91√5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें भाई हेल्प करती है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर कर दोगे तो भी काम चल जाएगा, पर लेकिन टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास है नहीं, तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आई होगी बात समझ में इंपॉर्टेंस इस सवाल की, तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 19, 2ab इज इक्वल टू 17, वैल्यू हमें किसकी बतानी है भाई, a माइनस 4b, फटाफट कर सकते हैं इसको। अब देखो a प्लस 4b, a माइनस 4b, यानी कि वही वाली बात होगी, x प्लस वाई दे रखा और x माइनस वाई हमारे से पूछ लिया, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या, a माइनस 4b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस 4b के होल स्क्वायर के, माइनस था तो वहाँ माइनस के 4ab हो रहा था, 4a की जगह a ही है, b की जगह, लेकिन यहाँ पे क्या है 4b, बस इतना यहाँ पे तुम्हें चेंज करना है। a प्लस 4b 19, 19 का स्क्वायर कितना 361, 4 × 16, 16ab। ठीक है, अब ab की जगह देखो, ab कितना दे रखा तुम्हें, 2ab दे रखा, 2ab कितना दे रखा 17, तो मैं इसे 8 × 2ab लिख दूँ, तो 8 × 17 लिख देता हूँ, बताओ कोई दिक्कत है क्या, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 5 = 13, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 225, तो यानी कि a माइनस 4b का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ गया 225, तो a माइनस 4b की वैल्यू कितनी आ गई 15। आया आंसर, तो आई बात समझ में, तो इम्पोर्टेंस समझो भाई हर एक चीज़ की, आप कोई भी चीज़ एकदम से स्किप नहीं कर सकते और आप कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको तो याद करना ही पड़े। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट,
एक्स प्लस वाई कितना दिया है भाई 10, एक्स वाई कितना दिया है आपको 4, और आपसे क्या पूछा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इसको 4 पावर 4 बना, ये आपसे पूछा है। तो पावर 4 पे जाने के लिए सबसे पहले तो हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो तुम क्या करो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लो भाई, जो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x। जब भी ऐसे सवाल पूछे अजीब सा तो कुछ नहीं करना, तुम्हें स्टेप फॉलो करने हैं और धीरे धीरे उस पर पहुंच जाओगे। ये आपका 100 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 92, इतना आ गया। अब क्या करो पावर 4 पे जाना है, तो अब दोबारा से स्क्वायर कर दो, इसका क्या दिक्कत वाली बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 92 रख लोगे, तो यहाँ पे तो 92 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस आपका 2 एक्स वाई, एक्स वाई कितना था 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 बस। अच्छा देखो जो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है वो कितना आ जाएगा, 92 का स्क्वायर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, 92 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 84, है ना, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये आपका डायरेक्ट तरीका है, और माइनस क्या हो जाएगा इसमें से 32, बताऊंगा स्क्वायर करने का तरीका। तो आंसर जो है वो कितना आ गया 843। तो अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, आपको पता है चीज़ें कैसे करनी है, तो आप इस सवाल को फटाफट कर सकते थे। आई भाई बात समझ में, कुछ नहीं करना, बस दो बार स्क्वायर किया है अपने आप आंसर हमारा आ गया, ठीक है। बताओ इतनी बात सभी को क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब डिस्कशन करते, देखो स्क्वायर वाली चीज़ें हो गई होगी तुम्हें क्लियर, आपको दोनों तीनों तरीके से क्या है चीज़ें आनी चाहिए। अब डिस्कशन करेंगे हम किस पर, क्यूब पर। क्यूब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3-4 फॉर्मूले बनते हैं और पेपर में बहुत सवाल पूछे। तो अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस, पहले काम चल जाता था कि एक ही फॉर्मूला है पता है उससे हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन काम क्यों चलाना भाई, तुम्हें दोनों तरीके से याद होना चाहिए। अब इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इसको कैसे लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूज होगा, कई बार आपसे कोफिशियंट पूछ लेगा तो ये वाला काम आएगा, फटाफट ये वाला पार्ट उठाएंगे इसमें से आंसर डायरेक्ट दे देंगे, कई बार ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। अब चलो, अब आपने ये देखा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो कहाँ से आता है, इससे ही आता है। ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिख रहा है, अब मैं इसे इधर रख रहा हूँ, बाकी सब ले जा रहा हूँ उधर, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, क्लियर है इतनी बात। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा सोल्व, देखो यहाँ से एक्स प्लस वाई क्या लेंगे कॉमन, ये एक्स प्लस वाई कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 3xy। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर किसी बच्चे के याद नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या करना है ये याद करना है, ये आपको पेपर में काफ़ी एडवांटेज देगा, क्योंकि कई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, एक्स प्लस वाई देगा आपको 3xy देगा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपसे पूछा, ठीक है। इसका दूसरा जो सभी को याद होता है वो क्या होता है, अब स्क्वायर खोल दो यहाँ पे अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस 3xy करोगे तो माइनस का क्या बचेगा xy बचेगा, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई जगह आपका यूज होगा, ये ज़्यादातर याद होता है सभी को, है ना। तो आपको दोनों ही याद करने हैं, दोनों आपके मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके एक तो, और जो आपके सबसे ऊपर जो दो लिखे हैं ये वाले, इन दोनों को आपको क्या है बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो याद करने का काम तुम्हारा है, ये काम तो तुम्हें करना ही है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब पे जाते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, क्लियर है बात सभी को। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस आ जाता है बस, तो ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, ये आपको डायरेक्ट याद रख, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब देखो इसे इधर ले जाओ, बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करेंगे सोल्व करके डायरेक्ट अपना रिजल्ट देखेंगे क्या आ रहा है, 3xy ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस, सबसे पहले क्या करो एक्स माइनस वाई ले लेंगे हम कॉमन, ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 3xy। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है आपके, जो आपके याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट। दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा जोड़ कट पिट के xy,
तो ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के आपके, तो याद करना भी आसान है। देखो एक्स माइनस वाई आ रहा है, फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है, माइनस था तो प्लस का 3xy हो गया। यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, प्लस वाले में क्या था एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेकिन माइनस का 3xy। तो याद करना आपके लिए आसान है, फटाफट आज आपको ये सारे फॉर्मूले क्या कर देना है याद कर लो, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब देखो पेपर में डायरेक्ट कैसे सवाल आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, क्या होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3, यही पढ़ा हमने। और देखो ए प्लस बी तुम्हें दे दिया, ये दे दिया, और तुम्हारे से क्या पूछा, ये पूछा, यानी कि ये तो यही वाला पार्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना। ये तो 432 है, वैल्यू पुट करो भाई, बस ये 12 है और ये हमें बताना है। तो बताओ 12 से बस डिवाइड कर लो, 12 36, 12 6 72, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया, 36 आ गया। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपने कर लिया, बस शर्त क्या है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दिया, 3552। अच्छा पूछा क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर खोल दिया, प्लस 2ab माइनस ए बी, यानी कि क्या पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछ रहा है। हाँ ये तो हमने फॉर्मूले में देखा है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कैसे होगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। देखो पढ़ाया ना अभी, ये रहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई पढ़ा है। अब देखो ये तुम्हें पता है वैल्यू, और a माइनस बी तुम्हें पता है कितना है, a माइनस बी आपका 6, और ये तुम्हें क्या है लिखाना है, 6 से क्या करो डिवाइड कर दो बस, और ये आपका आंसर आ गया हाथ में, 6 5 30, 6 9 54, 6 2 12, तो आंसर कितना आ गया आपका 552। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस है, तुम्हें पता होना चाहिए बस। अगला देखो 899 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 3। और देखो ध्यान से क्वेश्चन में तुम्हारे से यही पूछा है, तो बस आंसर आ चुका, 31 से डिवाइड करो। अच्छा 31 से अगर तीन बार जाओगे तो 90 प्लस हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो खत्म, 16 आने का नहीं, क्योंकि 30 या 900 होते हैं, 900 के आसपास है, तो यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो ज़्यादा आपके क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये देखो ये पेपर में सवाल आ रखा है डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला खोलने के लिए, तो अगर तुम्हें क्यूब का फॉर्मूला दोनों तरीके से याद है तो तुम डायरेक्ट आंसर ही लगाओगे, ए प्लस बी का होल, ठीक है। अब तुम देख रहे हो सारी टर्म्स स्प्लिट होकर लिखी हुई हैं, तो फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² दूसरे तरीके से, है ना। तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब बटे 27, तो देखो बटे 27 इसमें नहीं, सबसे पहले तो वो ऑप्शन खत्म कर दो, पहला दूसरा आंसर होंगे। चलो इसके बाद बी क्यूब यानी कि वाई क्यूब 125, वाई क्यूब 125 सही है, 3a² b, 3 ए क्या है यहाँ पर x अपॉन 3 यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9, बी क्या है y अपॉन 5, 3 से कितनी बार गया 3 बार, तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 15 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 25 गलत हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई 15 एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना, लिखना भी नहीं, मतलब डायरेक्ट तुम्हें पेपर में क्या लगाना है, टिक लगाना है, वो पेपर में ऐसे सवाल भाई आते हैं, ठीक है। अगर इनमें गलती करोगे तो फिर काफ़ी पीछे रह जाओगे। चलो एक्स माइनस वाई कितना दिया भाई, 7 दिया, तुम्हें बतानी है वैल्यू किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 15 का क्यूब माइनस y माइनस 8 का। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ, तो क्या ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब नहीं हो गया, जो किसके इक्वल होता है भाई, a माइनस b और आपका a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस के 3ab, किसी के इक्वल होता है क्या बताओ, है ना। तो अगर मैं इसे सोल्व करने जाऊँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे सोल्व कर सकते हैं अब हम, क्योंकि तुम्हें पता ए की जगह क्या लिखा हुआ, ए की जगह क्या लिखोगे एक्स माइनस 15 माइनस, बी की जगह क्या लिखोगे वाई माइनस 8, बस अभी इतना ही लिखो, इसको लिखेंगे बाद में, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। जब इसे सोल्व करोगे तुम तो एक्स माइनस वाई, ये माइनस का 15 प्लस के 8, ये माइनस का क्या हो जाएगा 7, बाकी बचा ब्रैकेट में ही। अच्छा एक्स माइनस वाई की वैल्यू तुम्हें दी है 7, 7 में 7 गया कितना बचेगा 0, और अगर 0 की तुम इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 0, आंसर हमारा क्या आ गया। तो ये क्वेश्चन उसने डायरेक्ट तुम्हें करने के लिए दिया था, तो तुम ये चीज़ यहाँ से पता लगा सकते थे, तुम सिर्फ a माइनस बी देखो यहाँ से कितना आ रहा है,
ए माइनस बी कितना आ रहा है यहाँ से, एक्स माइनस वाई माइनस सेवन, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब जीरो हो जाएगा तो जीरो की मल्टीप्लाई आगे बची हुई टर्म में होगी, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई भाई बात समझ में, आसान सवाल था। देखो ये पेपर में सवाल आते हैं, कोफिशेंट बताना एक्स स्क्वायर का इसमें। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा, क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखो कोफिशेंट क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर का कोफिशेंट पूछूं तो ये तो ए स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ए स्क्वायर को हटा लो यहाँ से, जो बचा वो कोफिशेंट है, यानी कि ए स्क्वायर का कोफिशेंट क्या, थ्री बी। आई बात समझ में कोफिशेंट की। अब देखो एक्स स्क्वायर कब आएगा बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ ध्यान से, एक्स स्क्वायर कब आएगा, टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था, तो हमें तो क्यूब तो चाहिए नहीं, यानी कि ए क्यूब बी क्यूब और थ्री ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, थ्री ए स्क्वायर बी में आएगा एक्स स्क्वायर। जब इसको लिखोगे ए की जगह क्या है, टू एक्स, तो ये चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह क्या एलिमिनेट करोगे भाई, क्योंकि ए की जगह क्या है, टू एक्स है ना। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12x² y, सोल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, कोफिशेंट क्या, 12 और वाई जो इसके साथ होता है वही क्या होता है, कोफिशेंट। तो 12y आपका क्या हो गया, कोफिशेंट, ये हमारा क्या होगा आंसर। तुम्हें फॉर्मूला खोलना था और देखना था कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या, ठीक है। आई बात समझ में, बताओ चीज़ें समझ में आ रही है क्या, आई होप सभी को क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ। आगे देखो सवाल, ए प्लस बी कितना दिया है, 12, ए बी कितना दिया है, 17। तो देखो ए प्लस बी हमें दिया है 12 और ए बी यहाँ पर कितना दिया है, 7। ए क्यूब और बी क्यूब पूछे, अब मेरे प्यारे में बताओ वैल्यू पुटिंग में तुम्हें कह रहा था पहले, क्या तुम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, बताओ ए इंटू बी 17 है, तो ए को अगर 17 मानोगे तो बी को 1 मानना पड़ेगा, प्राइम नंबर है, 17 इंटू 1 करके 17 आया होगा, तो बताओ ऊपर 17 प्लस 1 तो 18 होगा। तो आप इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, और पेपर में हर सवाल मतलब वैल्यू पुटिंग से आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तुम्हें फॉर्मूले भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं चीज़ों को सोल्व करने में। अब देखो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, कौन से वाला, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। तो देखो कितना बेहतरीन फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए बी चाहिए तुम्हें, और वो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, आ रही बात समझ में। तो अगर तुम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी यही सबको याद रहता है, जहाँ तक माइनस ए बी ये सब याद करके रखते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा एक स्टेप बढ़ जाता है, तुम्हें पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो मैं कहता हूँ भाई इस फॉर्मूले को भी याद करो, अपनी हैबिट में ले जाओ, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी 12, 12 का स्क्वायर कितना, 144, 17 51, कुछ भी नहीं, बस सोल्व करके सीधा आंसर आ गया हाथ में, कितना 93, 12 36, 12 9 108, 108 3 11, यानी कि 11 111 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, चलो फटाफट उड़ाएंगे क्वेश्चन, है ना। जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई, 4, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3xy, ठीक है, याद नहीं हुआ अभी फॉर्मूला, चलो लिख देता हूँ एक बार, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस वाले में क्या था, प्लस 3xy, ठीक है। तो बस ये हमने फॉर्मूला लगा दिया 4। अब देखो सबसे पहले तुम्हें बता दूँ ना, जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, आंसर तो मेरा यही आ गया, समझ गया बात, क्योंकि एक्स माइनस वाई बाहर मल्टीप्लाई में है, तो गारंटेड है कि जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। पर फिर भी हमें क्या करना है, सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो अगर देखो मैं यहाँ पे सोल्व करने जाता हूँ, तो ये 16 और 135, ठीक है, और ये आपका 4 × 6 और 5 11 151, तो 4 × 4 4 × 5 20 604, देखो आ गया ना आंसर 604। तो ऐसे आप इसको कर सकते, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं 9 × 5 45, देखो एक्स इंटू वाई अगर मैं लिखना चाहता हूं तो 9 × 5 कितना होता है, 45, और अगर मैं देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं तो 9 और 5, यहां पे चीजें सेटिस्फाई हो रही है, 9 में से 5 गए, कितना बचेगा, 4। तो वैल्यू पुटिंग से भी कई बार हो जाता है, तो तुम्हें 9 का क्यूब करना है 729, 5 का क्यूब करना है 125, वैल्यू पुट करी, देखो आंसर कितना आ गया, सीधा 604 आ गया। पर हर सवाल में नहीं होती भाई वैल्यू पुटिंग, पिछले में नहीं हुई थी, इसमें हो गई। वैल्यू पुटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, चलो अभी बेसिक पे, जो तुम्हारी बेसिक है ना उस पर डटे रहना, रूट्स क्योंकि वही है, क्योंकि अगर वो क्लियर है तो फिर वैल्यू पुटिंग तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका कितना है, 62, ए प्लस बी आपका कितना है, 2, ए बी पूछ लिया,
देखो ए प्लस बी ए बी और ए क्यूब बी क्यूब इसके टर्म में मुझे फॉर्मूला पता है, क्योंकि मैं जल्दी से इसको क्या कर पाऊंगा, सोल्व कर पाऊंगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर होता है माइनस के 3 ab। ये तुम्हें दे रखा था 62, ये तुम्हें दिया था 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3। तो 2 से गया कितनी बार, 31 बार, 31 माइनस 4 27 माइनस का 3 ab। तो जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 9। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। तो देख रहे हो कितना आसान सवाल है, तो जल्दी से तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। तो चले आगे, अब देखो अगला सवाल। ए माइनस बी कितना है, 27, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है, 5427। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ए बी की, ए बी हमें यहाँ पर क्या है निकालना है, तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि हमने समझ लिया है वो क्या होता है, ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 3, यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला। और देखो ए माइनस बी हमें पता है, ए बी हमें निकालना है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें पता है। तो सीधा तुम्हें क्या करना है, वैल्यू पुट करो, थोड़ी यहाँ कैलकुलेशन होगी उसको कर लो, क्या दिक्कत है। 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। स्क्वायर याद कर लो भाई जल्दी से, 27 से देखो 2, 201, ये 729 प्लस के 3 ab। जब 3 ab इधर होगा तो ये माइनस में जाएगा, कितना बचेगा 8, 2, 528, कितना बचा 528। तो जो ए बी है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 1 3, 3 7 21, 176। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस के 176। तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब तो आपके याद हो चुका होगा, क्योंकि 2 3 बार हमने यूज कर लिया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस टर्म में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, 11। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 65, ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तुम्हारे से पूछा, देखो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग हो जाएगी। 7 और 4 पर चीज़ें क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही है। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। 7 और 4 11 होता है, और 49 प्लस 16 65। तो देखो यहाँ पे तुम पुट कर लो, 7 का क्यूब 343 और 4 का क्यूब कितना, 64। तो 4 और 3 7, 407 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर वैल्यू पुटिंग हमें नहीं करनी भाई, है ना, हमें बेसिक भी क्या है सीखना है, बेसिक ही आपका इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना था। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, तो तुम्हें यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, तुम दोनों तरीके से लगा लो, चाहे तुम्हें एक्स वाई तो निकालना पड़ेगा ही, चाहे तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ऐसे सोल्व कर लो, या फिर तुम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 3 xy ऐसे, ठीक है। एक्स वाई देखो निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब एक्स वाई निकालना बड़ा आसान है, देखो एक्स वाई मैंने तुम्हें पिछले जो सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था जब बताया था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 121 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, कितना बचेगा 6 और आपका 56/2, यानी कि 28 आपका कितना आ जाएगा एक्स वाई। भाई फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 xy, यही होता है ना। 2 xy कैसे लिख लेगा, जब एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से ये घटाओगे, 11 का स्क्वायर 121 घटा दिया 65, फिर ये 2 डिवाइड में जाएगा, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें ये तुम्हारे याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। बस अब पुट कर दो, एक्स प्लस वाई कितना 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 65, माइनस का एक्स वाई कितना 28। तो बस 11 × 15 में से 8 गए 7, और 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 11 7 77, 11 3 33, तो आंसर कितना आ गया, 407, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप आसानी से इस सवाल को कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 101 निकालना है। तो एक्स वाई निकाल लो, अब यहाँ पे डायरेक्ट समझ गए होंगे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन। देखो स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी जब तुम प्रैक्टिस कर चुके होंगे जब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना, सेम सवाल है बिल्कुल। तो एक्स प्लस वाई 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 माइनस का एक्स वाई 34। बस ये तुम्हें डायरेक्ट लिखना, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, सीधा सोल्व करना। 10 में से 3 गए कितना आ गया, 7। तो 13 7 91, सॉरी 11 में से 4 गए 7, हाँ 9 में से 3 गए 6। 13 7 जो 91, 13 6 जो 78, 78 और 9 8 71। तो जो आंसर है आपका वो कितना आ गया, 871। तो देख रहे हो कितनी फास्ट डायरेक्ट तुम बस सोल्व कर रहे हो,
तुम कुछ सोच नहीं रहे हो पेपर में जाके कि फलाने का फॉर्मूला क्या है क्या है, कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम क्या हो पेपर में लिख रहे हो जाके, आंसर लेके आ रहे हो, बस इतना ही होता है पेपर में जाके। भाई तैयारी पहले ही होती है, यही तैयारी है। और ठीक है, और ये लास्ट सवाल था, चलो बहुत ही बढ़िया है ना। तो आई होप सभी को सेशन पसंद आया होगा, और ये एक बेसिक सी वीडियो है, इसमें तुम्हें समझाया गया है कि तुम्हें कैसे फॉर्मूले याद करने और कैसे उनका यूज़ करना है। और ये फॉर्मूले आज सभी याद कर लेना, क्योंकि इनका यूज़ आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है, और आगे लेवल क्योंकि बढ़ता जाएगा, और सारी चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी, तो फिर वो जब ही समझ में आएंगी जब आप ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो भाई आज तुम्हारा होमवर्क है, जितने भी हमने क्वेश्चन करे वो अच्छे से तुम पढ़ लेना, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना, और अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर की बुक है या कोई भी बुक है तो उसमें टिक लगा लो अच्छे से, और जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चन आज तुम होमवर्क में कर लेना, बाकी जो नहीं होंगे वो आगे मैं सारा कवर करवाऊँगा। तो चलो सेशन के लिए थैंक यू, और इससे पहले सेशन रिकॉर्ड कर चुका था मैं, उसमें माइक नहीं लगा, गड़बड़ होगी, दोबारा से रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो पूरी मेहनत चल रही है तुम्हारे लिए, तो वीडियो देखो अच्छे से और मेहनत करो भाई। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन।